हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का व्लॉग जो है वो बस ऐसी रेंडमली मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो है आलू पराठा बनाने वाली हूँ। तो आलू पराठा कैसे बनते हैं मुझे पता नहीं, बट मुझे गाइड करने के लिए मेरी फ्रेंड है। तो हमने यहाँ के मेस में बात किया कि हमें मतलब आलू पराठा बनाने दिया जाए। तो मेस वाले भैया और आंटी ने बोला कि ठीक है, आप आलू पराठा बना सकते हैं अपने लिए। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो लोग माने हैं। तो मैंने सोचा कि ये वाली मोमेंट भी कैप्चर कर ली जाए। तो अभी हम लोग मार्केट से आलू, एंड अभी मैं जस्ट थोड़ी सी स्नैप लेके उठी हूँ क्योंकि आज मेरी नाइट ऑफ है। तो नाइट ऑफ के बाद रेस्ट है, तो हम लोग ने ऐसे ही रेंडमली डिसाइड किया कि क्यों ना आलू पराठा बनाए। गाइस मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी सी फ्रेश एन अप होके, एंड फिर मेज के किचन में जहाँ पे मैंने सोचा है आलू पराठा बनाने के लिए। Few moments later. गाइज आई एम बैक, मैं फ्रेश अप हो गई। एंड अभी फ्रेश अप होके अब मैं जा रही हूँ नीचे मेस में, वहाँ के किचन में। एंड देखते प्रियंका ने ऑलरेडी क्या क्या कर रखा है, एंड उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो मैं सारी आपको दिखाती हूँ। One eternity later. अभी सारे आलू को धो के हम लोग कुकर में डाल रहे हैं ताकि इसको बॉयल होने के लिए चढ़ाया जाए, है ना। तो लगभग हमने वन एंड हाफ के जी तो नहीं, हाफ के जी आलू लिया था ताकि हम लोग मतलब हम मैं हाफ के और जी तो नहीं है, डेढ़ के जी होगा। डेढ़ के जी आलू खरीदी थी। क्यों एक्चुअली मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सो रही थी उस टाइम। तो कितने आलू आए कितने नहीं आए, बट अब इसमें पानी डाल के और इसको भी हम लोग फ्लेम पर रखेंगे कि बॉयल होने के लिए। एंड मिलते हैं आपके कुछ। सो हमारी आलू जो है वो बॉयल हो चुकी है, एंड हमारा आटा भी है वो गुन गया है ना, गुन गया है। अब आलू जो बॉयल हो गई है इसको हम लोग मैश करेंगे ताकि इसकी फिलिंग कर सके रोटी के अंदर। एंड इसमें और सारी मसाले जो हैं वो जाएंगे। तो हमारी मेज है, किचन जो है वो थोड़ी सी कंजस्टेड है, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि ये प्रॉपर मेज की किचन नहीं है। ये जो आंटी हैं जो हमारे खाना हमारे लिए फूड बनाती है उनकी किचन है। तो हमने थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो बोली ठीक है बना। सो भी अभी सारे आलू को हम लोग मैश कर रहे हैं फिलिंग के लिए। हमारी फिलिंग के लिए जो है पटैटो हमने मैश कर दी, और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स था, धनिया पत्ता, लहसुन का पत्ता एंड थोड़ी सी चिली, और हमने इसमें छौंक भी लगा दी, अदरक भी डाल। हम लोग जा रहे हैं आलू पराठा बनाने, है ना प्रियंका? आलू पराठा, हाँ ठंडी में आलू पराठा वैसे भी अच्छे लगते हैं। आलू बड़ी हमने जंग हासिल कर ली आलू का पराठा बना के, बट आई होप सो अच्छा बने, बहुत यम्मी बनेगा, टेस्टी। हमारा आलू पराठा बन गया है, एंड अब हम लोग जा रहे हैं इट करने, क्योंकि गरम गरम आलू पराठा ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक कमेंट एंड बहुत ज़्यादा शेयर। एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।